हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 आवर्स डिफेंस। और आज एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट्स हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक रिक्रूटमेंट 2022 की फॉर्म फिलिंग की डेट आ चुकी है। 4 जनवरी 2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं और आपकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी 2022 है, शाम 5 बजे तक। जैसे ही वेबसाइट पर फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म भर दें, देर ना करें। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम और एडमिट कार्ड की डेट जल्द ही अपडेट हो जाएगी। आपका एग्जाम मार्च मंथ तक होना है, तो मार्च 10 टू 15 तक अप्रॉक्स आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो आप इसको लेकर चिंता ना करें, बस आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। रिजल्ट की बात करें तो अप्रैल तक आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे फेज टू के बारे में। 25 दिन बाद आपका फेज टू भी कंडक्ट हो जाएगा मई मंथ में, और जुलाई तक आपकी फेज थ्री की क्लियरिटी आ जाएगी, और अगस्त महीने तक आप INS चिल्का का हिस्सा बनेंगे। कोस्ट गार्ड यांत्रिक एंट्री 2022 की बात करते हैं, तो आपकी एज 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपका जन्म 1/8/2000 से 31/7/2004 के बीच हुआ है, तो आप नाविक GD के लिए एलिजिबल हैं। नाविक DB के लिए आपका जन्म 1/10/2000 से 30/9/2004 के बीच हुआ होना चाहिए। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल OBC EWS के लिए ₹250 है, और SC ST कैटेगरी के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना है। और एग्ज़ाम फ़ी आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड से ही करनी है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 322 है इस बार, जिसमें नाविक GD के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट 260 है, और इसके लिए 10+2 आपका होना चाहिए मैथ्स फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट। नाविक DB की बात करें तो 35 पोस्ट है, आपका हाई स्कूल होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और यांत्रिक के लिए 27 पोस्ट है, और आपका क्लास 10th होना चाहिए विथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन। वैकेंसीज को देखें अगर कैटेगरी वाइज, तो नाविक GD में अनरिजर्व सीट 112 हैं, EWS इकोनॉमिक व्हीकल्स के लिए 28 हैं, OBC के लिए 72, SC के लिए 11 हैं, ST के लिए 37। तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 260 नाविक GD के लिए। नाविक DB की बात करें तो अनरिजर्व 12 हैं, EWS 2, OBC के लिए 9, SC के लिए 7, ST के लिए 5, यानी टोटल सीट 35। यांत्रिक मैकेनिकल में अनरिजर्व्ड 4 हैं, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, SC कैटेगरी के बच्चों के लिए 6 सीट है, ST के लिए 0, टोटल नंबर ऑफ सीट 13 है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व्ड 6 हैं, OBC के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 है, टोटल नंबर ऑफ सीट 9 है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अनरिजर्व्ड 3 हैं, OBC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है। डिफेंस एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है, और जिसकी एक अलग रेपुटेशन भी है। काफी सारे बच्चे जो स्टडी में अच्छे भी होते हैं, पर फिर भी उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, क्या करना है मुझे आफ्टर स्टडी, तो उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगा, आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी इंडियन कोस्ट गार्ड आपको मौका दे रहा है देश सेवा का और एक बेहतरीन करियर बनाने का। जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, आप अपना फॉर्म भर दें, और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। और जाते जाते मैं आप सबको ये बताता चलूं, डिफेंस से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हम एक एक इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।